नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, बिहार में लगातार शराब पीने से मौतें हो रही है और शराबबंदी के बावजूद शराब पीने से लोगों की हो रही मौत के बाद विभिन्न पार्टियों के सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो इस बीच गुरुवार को राजद ने जदयू पर जोरदार कटाक्ष करते हुए पार्टी का नया नाम दे दिया है। इसके बाद जदयू ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। अब राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जदयू का मतलब होता है जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध हो। तो उन्होंने कहा कि जे का मतलब जहां, डी का मतलब दारू और यू का मतलब अनलिमिटेड उपलब्ध। तो बिहार में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां शराब उपलब्ध नहीं है। ये हालत तब है जब बिहार में शराबबंदी लागू है। लोग जहरीली शराब पीकर मौत को गले लगा रहे हैं। अब बिहार में शराब की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। राजद प्रवक्ता के इस बयान के बाद जदयू ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद का मतलब राष्ट्रीय जहरीली दल है। नीरज कुमार ने कहा कि छोड़ोगे तो छोड़ेंगे और उन्होंने कहा कि राजद मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल, ये वो दल है जिसने समाज में जाति, धर्म, भ्रष्टाचार, वंशवाद और परिवारवाद व सैलरी घोटाला का जहर गोला है। बहरहाल अब इस बीच में, लेकिन अब आप जो सबसे मुख्य विषय, सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि लगातार बिहार में जहरीले शराब के कारण लोगों की मौत हो रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब शराबबंदी पर राजनीति शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है और ये बयानबाजी अब नामकरण तक पहुंच गई है। फिलहाल आज हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद है। बता दें कि प्रमोद सिन्हा हमारे साथ प्रवक्ता राजद से इस वक्त मौजूद है, प्रतिभा सिंह जी जदयू से प्रवक्ता मौजूद है और विपिन बिहारी जी जन स्वराज पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा पहला सवाल है प्रतिभा सिंह जी आपसे ही है, चूंकि आपकी सरकार ने जो है शराबबंदी की नीति तो ले आई है, लेकिन धरातल पर ये साफ तौर पर से फेल नजर आ रही है और इसके बावजूद अब इस पर राजनीति हो रही है, ये कहां तक सही है प्रतिभा जी? कीर्ति जी, राजनीति हम नहीं कर रहे, हम तो काम कर रहे हैं। बिहार की वर्तमान सरकार लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। नशाबंदी कानून कोई छोटा मोटा कानून नहीं था। प्रतिभा सिंह जी की आवाज नहीं मिल पा रही है जी। प्रतिभा जी, शराबबंदी या नशाबंदी कानून कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला महिलाओं की मांग पर आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने लिया था। तो अगर पूरा समाज इनके इस अच्छे फैसले के साथ, इनके इस अद्वितीय फैसले के साथ अगर पूरा समाज खड़ा हो जाए बगैर राजनीति किए, तो निश्चित रूप से शराबबंदी कानून सक्सेस होता कीर्ति जी। लेकिन नहीं, यहां तो क्या है ना, यहां तो विपक्ष को राजनीति करना है। वो राजनीति कैसे करना है, या तो समाज को उससे नुकसान हो, समाज बर्बाद हो जाए, नौनिहाल बर्बाद हो जाए, लेकिन ये राजनीति करेंगे। ठीक है, सरकार राज्य हित में फैसले लेती है, सरकार राज्य हित में कानून बनाती है। सरकार को पता था कि अगर हम नशाबंदी कानून लाएंगे तो राजस्व का नुकसान होगा, बड़ा राजस्व का नुकसान होगा। दूसरी बात है, इतिहास गवाह है, कईयों की सरकारें जा चुकी है पहले नशाबंदी कानून लाने से, उसका भी परवाह आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। उन्होंने परवाह किसका किया, परिवार, उन्होंने परवाह किया 50% आबादी का, जो बिलखती हुई महिलाएं मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रही थी कि साहब हमारा घर नशा से बर्बाद हो चुका है, हमारा पति शराब पी जाता है, 50 रुपया कमाता है, 45 रुपया पी जाता है, सर इसको बंद कर दीजिए, हमारे घर को आबाद कीजिए, हमारे बच्चों को दूध नहीं मिलता, हमें सब्जी नहीं मिलती है। तो उन महिलाओं के लेकिन मानते कि महिलाओं ने मांग किया, बिहार की जनता की मांग पर आपने ये नीति तो ले आई, लेकिन नीति को पूरी भी की जाती है। प्रतिभा जी सवाल सुन लीजिए, प्रतिभा जी आपने शराब नीति तो बना ली, महिलाओं ने कहा या जनता ने कहा, चलिए आप उनके हित के लिए ही किए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं ना, उस चीजों को कैसे सही सुचारू रूप से करना था वो नहीं कर पा रहे। अब इसे लेकर विपक्ष कह रही है जदयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड, इस पर क्या कहेंगे जी? तो मेरा विपक्ष से सवाल होगा, सीधा सा एक छोटा सा सवाल, कि जब वो जदयू के साथ थे, जब महागठबंधन में, जब सरकार बिहार में चल रही थी, तब क्या आरजेडी का मतलब भी जहां दारू उपलब्ध पार्टी थी? वो भी तो शामिल है ना। नशाबंदी कानून जब लाया गया उसके बाद, नशाबंदी के बाद
आरजेडी भी साथ में थी, कांग्रेस भी हमारे साथ में थी, जितने भी विपक्षी दल है, हमारे जनसुराज के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, प्रशांत किशोर जी भी उस समय आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ थे। तो क्या पूरे समाज या पक्ष हो या विपक्ष, राजनीति छोड़ करके क्या उनकी भूमिका समाज को बनाने में नहीं होनी चाहिए? निकले क्या उनकी भी है यहाँ, उनसे ही जवाब लेते हैं। प्रमोद सिन्हा जी ने आपकी बातों को सुना, अब प्रमोद जी अब आपने एक नाम दे दिया जदयू को, जदयू ने भी आरजेडी का नाम दे दिया है राष्ट्रीय जहरीला दल, इस पर क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए कीर्ति जी, पूरी बात को हम जदयू के जो प्रवक्ता हैं उनका हम सुन रहे थे। देखिए सबसे पहली बात है कि जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो घर घर जो है शराब की दुकानें खुलवाने का भी काम इन लोगों ने ही किया था। और हमारी जो महागठबंधन की जो सरकार बनी उसके पहले हम लोग लगातार उसका जो है उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करते थे, जन आंदोलन करने का काम करते थे। उस समय हमारा नारा ही था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, और युवाओं को रोजगार चाहिए, यह हमारा नारा ही हुआ करता था। महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार में ऐतिहासिक निर्णय हुआ, यह एक क्रांतिकारी कदम था, इसको मैं आज भी मानता हूं। शराबबंदी का जो निर्णय महागठबंधन की सरकार ने लेने का काम किया था वो एक अच्छा पहल था, जनहित में था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो लगातार सरकार है जिस राज्य में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद जो आपने देखा कि चाहे वो सिवान हो, छपड़ा हो, गोपालगंज हो या अभी मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है और जहरीली शराब से जो सैकड़ों लोगों की मौत हो जा रही है, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाबदेह और जिम्मेदार जो सरकार है वही तो है जी। आपके सवाल का जवाब तो प्रतिभा जी से लेंगे जी। अभी तो हमने कोई बात ही नहीं की है, प्रतिभा जी को तो आपने उतना मौका दिया, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। देखिए आपको बोलने के लिए बुलाए, मौका तो मिलेगा बिल्कुल प्रमोद जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो सवाल किया उस प्रश्न का तो जवाब हम दे देना। आखिर एक बात बताइए कि जिसको ये जवाबदेही मिली है, ऊपर से नीचे तक जो तंत्र है और तंत्र में सूचना तंत्र भी होता है, तो नीचे के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जिनकी जवाबदेही ऊपर के लोगों को सूचना का आदान प्रदान करना होता है। अब देखिए ये यहीं पर जैसे कोई दूसरे राज्य से जहरीली शराब का आयात करता है और कुछ लोग यहीं बैठ करके बना रहे हैं, इसका मतलब है कि नीचे से जो सूचना तंत्र है पूरी तरह से विफल है, उनको ऊपर या वो जो सूचना दे रहे हैं उसमें उगाही का काम हो रहा है, सूचना के बदले उगाही का काम हो रहा है, लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तभी तो इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। और बिहार की जनता के प्रति हमारे, हम विपक्ष में हैं, बिहार की जनता के प्रति हमारी उतनी ही प्रतिबद्धता है। एक तरह से आप कहें तो ये तो आरोप लगा रहे हैं प्रभु जी, एक तरह से कहा जाए तो ये आरोप है कि कहीं ना कहीं जो ये चीजें आ रही है उसमें संलिप्तता सरकार की है। चलिए आपके इस बात का जवाब प्रतिभा जी से लेंगे, लेकिन अब विपिन बिहारी जी भी हमारे साथ मौजूद है जनसुराज से, उनसे भी जानेंगे। विपिन जी, प्रशांत किशोर ने आपकी पार्टी से, उन्होंने कहा था कि जैसे ही अगर उनकी सरकार आती है तो एक घंटे के अंदर शराबबंदी बंद कर दी जाएगी। आपके हिसाब से कहां अभी आपकी पार्टी स्टैंड कर रही है? इतनी मौतें बिहार में हो रही है, अभी आप क्या कहेंगे और क्या करना चाहिए? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं अभी प्रतिभा जी ने बात किया कि जनता नाराज है शराबबंदी के बारे में, पहला रुकार तो ये लागू की गई है, पर मैं अभी तरारी विधान आ रहा हूँ, हजारों हजार की संख्या में महिलाएं वहां उपस्थित थी और उनसे बात करने पर पता चलता है कि वो कितनी प्रताड़ित है, उन्हीं के घर के लोग झूठ मूठ के पकड़ के जेल में डाल दिए गए हैं, और जो माफिया है जिनके कारण मौतें हो रही हैं वो मस्त घूम रहे हैं, उनके पैसे से सरकार चल रही है और अपराध चल रहा है यहाँ पे शराबबंदी के नाम पे। तो पहला, जनता नाराज है, इसीलिए इसका एक और उदाहरण है जब आपने कहा कि प्रशांत जी ने कहा है कि एक घंटे के अंदर शराबबंदी हटा देंगे हम, आप देखेंगे, आप हमारे सभाओं में महिलाओं की भीड़ को देखेंगे, वो खुद समर्थन देने आती है, यानी ये इस बात का गवाह है कि जनता जो है वो सबसे ज्यादा परेशान शराबबंदी से है।
और शराबबंदी को हटा के एक ऐसी व्यवस्था लगाई जा सके जिससे लोगों के अंदर अपनी अंतः प्रेरणा से सुधार लाया जा सके और समाज आगे बढ़ सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो प्रवक्ता आपने बताया कि प्रतिभा जी है और हमारे साथी राजद से है कि जहां दारू अनलिमिटेड और राष्ट्रीय जहरीला दल, ये इन लोगों का आपस का खेल है, इनका जनता से कोई सरोकारी नहीं है। जब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में होता है तो दोनों को एक पक्ष ठीक लगते हैं, जैसे ही आरजेडी गठबंधन से बाहर चला गया तो उनको ठीक नहीं लगता। नीतीश जी का तो विजन समाप्त हो चुका है बिहार को लेकर के, उनको करना क्या है, वो बस अपने कुछ अधिकारियों के हाथ में सरकार दे चुके हैं, उनको पता ही नहीं है, जनता से कोई फीडबैक ही नहीं है, इसके कारण से शराबबंदी के ऊपर कोई ठोस निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इनको जबरदस्ती उनको डिफेंड करना पड़ता है। ये जानती है ये किस हद किस स्थिति से उन लोगों के आंखों में डाल के बात कर सकती है जिनकी आंखें जा चुकी है, या उस परिवार के लोगों से कैसे बात कर पाएंगे ये लोग जिनके घर में मौतें हुई हैं, ये नहीं बात कर पाएंगे। इसीलिए ये बातों को घुमाने की कोशिश, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की कोशिश, इनका विजन ही नहीं है बिहार। चलिए विपिन जी, आप जो ये बात कह रहे हैं इसका जवाब प्रतिभा सिंह जी से ही ले लेती हूँ। प्रतिभा जी, आपने विपिन जी की बात को सुनी, वो कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई विजन ही क्लियर नहीं है। क्या आपने जनता से फीडबैक लिया है? क्या आप अभी समझ सकते हैं कि अब कब तक मौत नहीं होगी? इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं कि कब तक जहरीली शराब से लोगों की जो मौत हो रही है उन आंकड़ों पर रोक लगा दिए जाएंगे? कीर्ति जी, गंभीरता से हमारे भाई विपिन बिहारी जी हमारी बात को सुने। इन्होंने कहा कब तक आप, या फिर आप ही का सवाल है कि कब मौतें रुकेंगी। बता देती हूँ कीर्ति जी, जब तक समाज में लोग खुद के अंदर जागरूकता पैदा नहीं करेंगे तब कभी भी मौतें नहीं रुक सकती। प्रतिभा जी, अगर हर काम समाज ही कर ले तो सरकार को क्यों लाया गया है फिर? प्रतिभा जी, सरकार क्या करेगी फिर? पहले ही कहा कि गंभीरता से हमारी बातों को सुनकर समझा जाए। सरकार का काम है कानून बनाना, अगर कोई चीज गलत लग रहा है तो सरकार कानून बना देती है। अगर कानून का हम उल्लंघन करेंगे तब आप लोग का सवाल होता है, विपक्ष का सवाल होता है कि उसको रोकिए। अरे भाई, दहेज बंदी है, शराब बंदी है, मर्डर नहीं करना है उसके खिलाफ भी कानून बना हुआ है। सरकार का काम है, सरकार कह रही है कि तुम शराब पियो, सरकार ने तो शराबबंदी कानून लाया। समाज में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं है ना, हर तरह के लोग हैं। ये समाज जो बना है वो सरकार के पक्ष के लोग भी है, सरकार के नेता लोग भी है। आपकी सरकार के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, ये किस असंवेदनशीलता को दर्शाता है? प्रतिभा जी, आईटी गठित किया है सरकार ने, एसआईटी गठित करके सवाल सुन लीजिए। प्रतिभा जी, आपके सरकार के नेता कह रहे हैं, प्रतिभा जी सवाल सुन लीजिए फिर तो जवाब दीजिएगा। प्रतिभा जी सुन तो लीजिए मेरी बातों को। आपके ही सरकार के नेता कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, अब इस पर क्या करे जनता, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं कर रही हूँ कीर्ति जी, जो पिएगा वो निश्चित मरेगा, क्यों नहीं मरेगा? ये तो एक सरकार ने कानून बनाया है और तुम उसका उल्लंघन कर रहे हो, पी रहे हो। बनाने वाला तो अपना मुनाफा कमाने के लिए जहर बना ही रहा है सरकार से छुप करके, और बक्सा भी नहीं जा रहा है, वो जेल भी जा रहा है। ये सरकार की खूबी है कि सरकार किसी को नहीं बख्शती। जिस तरह के आरोप जन सुराज के हमारे भाई प्रवक्ता विपिन जी ने लगाया कि शराब के पैसे से सरकार चल रही है, अरे भाई आप प्रशांत किशोर जी के ना डपोर सेन की बातों को सिर्फ सुनते हैं। सरकार जो शराबबंदी कानून लाने का ऐतिहासिक निर्णय ले सकती है वो सरकार शराब के पैसे से चलेगी, तो कहने के लिए तो विपक्ष में कुछ भी आप इसका जवाब तो विपिन जी आपको देंगे। आपका जवाब तो विपिन जी आपको देंगे, पर इससे पहले प्रमोद सिन्हा जी को कहना चाह रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी के पास चलते, वो भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। प्रमोद जी देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है सरकार ने अपना काम कर दिया है, समाज को समझना पड़ेगा और जो पिएगा वो मरेगा, क्या जवाब देंगे इस पर? कीर्ति जी, इन्होंने कहा कि सरकार ने कानून बना दिया है, सिर्फ कानून बना देने से होता है या उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, वो ज्यादा जरूरी है। कानून बना देने से सिर्फ हो जाएगा कि जो एक सिस्टम है ऊपर से नीचे तक उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। आखिर दूसरे राज्यों से कैसे शराब यहाँ आ रही है, कौन लोग हैं, इन लोग क्या करते हैं? जब कहीं इस तरह की घटनाएं घटती हैं जहां मौतें होती हैं, उसके बाद छोटे छोटे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए जो जवाबदेह और जिम्मेवार लोग हैं उनको जो है छोड़ दिया जाता है। शराब जहां पकड़ाता है एक दो व्यक्ति को,
पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसका जो लिंक कहां तक है उसको पकड़ने का ये लोग प्रयास नहीं करते हैं। आखिर कैसे इनका शासन, कैसा शासन है कि इसमें जब इन्होंने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद इन्होंने सारे प्रशासन को उसके पीछे लगा देने का काम किया, उसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी विफलता है ना, इनकी असफलता है, इसको ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? सिर्फ कानून बना देना समस्या का समाधान होता है क्या? अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैंने अपने पहले ही संबोधन में कहा कि जो शराबबंदी का निर्णय लिया गया था वो ऐतिहासिक निर्णय था, महागठबंधन की सरकार ने यह निर्णय लिया था, उसका हम आज भी शराबबंदी लागू रहे उसकी हम करते हैं। विपिन जी ने ये बात सही कहा है, यानी कि प्रमोद जी, विपिन जी जो ये एक बात आरोप लगा रहे हैं प्रमोद जी कि राजद और जदयू जब साथ में होती है तो बहुत अच्छे, तब अपनी अपनी वाहवाही ले लेती है, अब जैसे ही अलग होते हैं तो उसके बाद नामकरण की राजनीति शुरू होती है। अब बोलिए, आपकी बात को हम समझ लिए, आपने जो कहा मेरा कहना है वही हम कह रहे हैं कि जब शराबबंदी लाया गया तो उसका सुचारू रूप से ढंग से उस कानून का इस्तेमाल भी होना, इस प्रकार से मौतें होंगी, मौत हो रही है, उसके बाद दिखाने के लिए आय वास करने के लिए एक दो पदाधिकारी को निलंबित कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा वो निलंबित पदाधिकारी फिर से बहाल कर दिए जाएंगे, और प्रशांत किशोर जी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी एक घंटे में हम जो है इसको समाप्त कर देंगे। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, इनके इनके पोस्टर में, इनके बैनर में, इनके झंडे में अहिंसा के पुजारी और नशा मुक्ति के सबसे बड़े जो मतलब जो नशा मुक्ति के सबसे वकालत करने वाले थे महात्मा गांधी जी, उनका फोटो लगाते हैं और ये क्या कह रहे हैं कि हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। सबसे पहला चीज तो इनको भी ये कहना चाहिए कि हम आएंगे तो जो शराबबंदी का कानून है उसको हम जो है बढ़िया से लागू करने का काम करेंगे, जो कमियां हैं, जो ऊपर से नीचे स्तर के पदाधिकारी या जो भी उसमें कमियां हैं उसको दूर करके हम इसको प्रॉपर ढंग से लागू करेंगे तो एक बात होता, लेकिन ये कैसी बातें करते हैं, ये तो विरोधाभासी बात करते हैं। चलिए विपिन जी से इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय की भी कमी है, सबको बोलने का मौका देना है। विपिन जी, आपने प्रतिभा जी की भी बात सुनी, वो कह रही है प्रशांत किशोर पे बात आ रही है कि वो कहां से पैसे लेकर आए, प्रमोद सिन्हा जी की भी आपने बात सुन ली है, अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? हाँ, पहली बात मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे प्रतिभा जी ने, मैं अभी बोल रहा था कि हम शराब को एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाएंगे जिससे लोग अंत प्रेरणा से छोड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रतिभा सिंह जी का कि जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि समाज में अंत प्रेरणा लाने की जरूरत है, और साथ में ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार फेल हो चुकी है इसलिए जनता पे वे आश्रित है। मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी के नेता के आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि मुख्यमंत्री जी आप फेल हो चुके हैं, आपकी ये व्यवस्था फेल हो चुकी है, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, समाज में एक नए विजनरी वाले लोग आ रहे हैं और वो इस व्यवस्था को चला करके दिखाएंगे कि कैसे किया जा सकता है। दूसरी बात, गांधी जी का नाम ये लोग बार बार लेते हैं, गांधी जी का लिखा कहीं भी एक जगह ये दिखा दे, प्रशांत जी ने भी डंके की चोट पे कहा है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कह रहा हूं कि किसी भी एक जगह पे गांधी जी का लिखा हुआ दिखा दे कि कानूनन तौर पे शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। मैं सरेआम आके, प्रशांत जी ने बोला है हम सरेआम आके माफी मांगेंगे और हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे, इनका स्टैंड नहीं है ये। आज अभी नीतीश जी बीजेपी छोड़ के आरजेडी में मिल जाए तो ये तुरंत कह लेंगे अरे बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, हम कितना बढ़िया चला रहे थे, अभी अलग हो गए तो इनको मिर्ची लगने लग जाती है। इसलिए मैं बोला ना, इनकी इनकी समझ, इनकी जो सोच है वो जनता के लिए नहीं है, इनका ये है कि अपना घर पर। अच्छा विपिन जी, बात वो नहीं है, विपिन जी सवाल तो बिहार की जनता के लिए है ना, ये राजनीति से भूल जाते हैं। ये बताइए विपिन जी कि आपकी सरकार भी, आप भी कह रहे कि आपकी सरकार आएगी तो एक घंटे में खत्म कर देंगे शराबबंदी, क्या उससे लोगों की मौतें रुक जाएंगी? तो देखिए, वो है प्रशासन का काम जो ये फेल हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि अभी बिहार में शराबबंदी लागू कहां है? शराबबंदी कागजों में लागू है और होम डिलीवरी चालू है, बच्चे इन्वॉल्व है। पटना में तो ऐसे सुनने आता है कि लोग बोतल लेके आते हैं, आपको पिलाते हैं और निशान लगा के और फिर घर लेके जाते हैं, फिर अगले दिन उसी निशान से पिलाते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं। और मैं पत्रकार साथियों से ही सुना हूं, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं मैं। तो इस व्यवस्था में सबसे पहली तो जरूरत है कि रिसोर्स भी नुकसान हो रहा है हमारा,
हमारा चलिए प्रतिभा जी को जवाब देना चाहिए, समय की कमी हमारे पास, प्रतिभा जी की सुन लेते हैं। प्रतिभा जी कहेंगी, मैं बिपिन जी से जानना चाहते हूँ कि बिपिन जी के पार्टी के कितने लोग पीते हैं, क्या इनके मुखिया पीते हैं? अरे भाई, अगर आप एक घंटे में शराब को खोलने की बात करेंगे, शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात करेंगे, 50% जो महिलाओं की आबादी है ना, झाड़ू लेकर सड़क पर खड़ी हो जाएगी। आप बताइए, आपके मुखिया क्या शराब पीते हैं? आपके पार्टी के कितने लोग शराब पीते हैं आप जरा बता दीजिए, और कहां से लेकर के पीते हैं, कौन उनको डिलीवर करता है, आप एक का भी नाम बता दीजिए। चलिए विपिन जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्या शराब आती है आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी के लोगों के पास? अभी इनकी शराबबंदी कानून की विफलता के कारण बिहार में मौतें हो रही हैं, लोग अंधे हो रहे हैं, और उससे ज्यादा दुख है कि एक असंवेदनहीन मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो बार बार लोगों को कहता है कि जो पिएंगे सो मरेंगे, और उसके लिए प्रतिभा सिंह जी बिना किसी मतलब संकोच, मुझे उम्मीद रहा था कि थोड़ा संकोच होगा उनके चेहरे पर, बिना संकोच के बिना जीव लटपटाए वो कहते कि हाँ जो पिएंगे सो मरेंगे, कितने असंवेदनहीन लोग हैं, इनसे तो मतलब बात। चलिए प्रतिभा जी से जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा, पियोगे तो मरोगे, मैं तो बार बार कह रही हूँ, पियोगे तो मरोगे, मत पियो, सरकार की कानून की धज्जियां मत उड़ाओ, बीवी बच्चों से प्यार करो। चलिए, पीना है तो मरना है, मरो। प्रतिभा जी ठीक है, सभी कोई तारीफ कर रहे थे आपकी ये जो शराबबंदी नीति लाई गई, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे क्लॉज रहने चाहिए थे जिसे पूरे तरीके से बंद किया जाता। बिहार में तो शराबबंदी दिख नहीं रही है, अभी भी शराब की वजह से लोगों की जाने जा रही है। दूसरे राज्यों में आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में कल ही एक नीति लाई गई है जिसमें 99 रुपए के इंटरनेशनल से लेकर सभी ब्रांड के शराब के दाम कर दिए गए हैं, ताकि अच्छे अगर लोग पियेंगे ही, पीने वाले पी ही रहे हैं, लेकिन सस्ती चीजों से बचेंगे, जहरीली चीजों से बचेंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी आपकी सरकार? बिहार कैसा राज्य है ना, अगर जैसे आपने वहां की बात तो कह दी, जिनके पास पैसे होंगे वो पिएंगे, गरीब तबका के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि क्या अमीरों के लिए शराब है, गरीबों के लिए नहीं है, आप बताइए। तो इसीलिए तो 99 रुपए किए गए ना प्रतिभा जी। कीर्ति जी, बिहार एक ऐसा राज्य है ना जहां बिना शक्ति से कानून बनाए, बिना लागू किए लोग सुनते नहीं है। पर फिर भी ये कानून बनाया आप ले आए, प्रतिभा जी कितनी भी शक्ति बरत रहे हैं, पर ये आपकी सरकार की नीति फेल नजर आ रही है बिहार में। प्रमोद जी कहना चाह रहे हैं, प्रमोद जी के पास चलते हैं। देखिए, शराबबंदी नीति जो लाया गया उसका सुचारू ढंग से कैसे संचालन होगा, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो सरकार में पूर्णता अभाव है, वो चाह ही नहीं रही है। कह तो रहे कि कुछ कार्रवाई करके वो आईवास कर रहा, सरकार जो है या शासन प्रशासन में जो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, छोटे छोटे जो पदाधिकारियों को बलि का बकरा बना देते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर जैसे उनको बहाल कर दिया जाएगा, यही तो अक्सर होता रहा है, इससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, और तभी जो है से। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे, उससे एक अच्छा समाज की स्थापना करेंगे, तो उससे बड़ा विरोधास्पद कोई बयान हो ही नहीं सकता। चलिए प्रमोद सिन्हा जी, सही कह रहे हैं आप, एक दृढ़ इच्छा की जरूरत है, और इस चर्चा से यही बात निकलकर सामने आई, क्योंकि सरकार के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि आखिर कब तक इस पर रोक लगेगी। जो मरने के लोगों के शराब पीने के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस पर कब रोक लगेगी, इसका जवाब नहीं है। पर फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं, बिहार में लगातार शराबबंदी पर राजनीति हो रही है, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, विडंबना की बात, वो ये है कि बिहार में हर दिन लोग मर रहे हैं जहरीली शराब का सेवन करके, लेकिन अब तक उस पर रोक नहीं लग पाई है, और पार्टियां आपस में ही राजनीति नामकरण की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, लेकिन इसका जवाब किसी भी पार्टी के पास नहीं है कि आखिर इस पर रोक कब तक लगेगा, और लोगों को, खासकर बिहार की जनता को, इससे निजात कब मिलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता खुद ही शराब पीना छोड़ती है, या फिर अब कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।